पैन कार्ड न्यू रूल, तो 7 अगस्त से पैन कार्ड धारकों को लेकर नए नियम लागू, सरकार का बड़ा आदेश। तो आइए जानते हैं क्या है ये नए नियम। अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं, आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है, तो पैन कार्ड वालों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पैन कार्ड बना हुआ है या अभी अभी पैन कार्ड बनाए हैं, तो आपके लिए खबर इम्पोर्टेंट हो सकती है, वरना फिर आने वाले दिन में पछताना पड़ेगा। हम आपको बता रहे दें कि कुछ दिन पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक को लेकर बड़ी खबर आई थी, फिर से वही पैन कार्ड पर नए नियम लागू किया गया है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होने के कारण उनके बाद पछतावा पड़ता है। इसलिए आपको ये खबर काम की है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो मन तो पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता। पैन आधार कार्ड हमारे जीवन में काफ़ी अब महत्वपूर्ण हो गया है और एक जीवन का हिस्सा बन गया है। चाहे बैंक हो या किसी भी अन्य जगह को, सभी में पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। किसी को क्यों लेकर सरकार एक आदेश जारी की है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद ज़रूरी है। तो पैन कार्ड आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तिथि, जिन लोग अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं, तो उनके लिए खास खबर है। आपको बता दें कि 31 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तिथि रखा गया है। अगर आप लोग भी अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए, तो जल्द जाकर करवा लीजिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे कराना है। उन लोगों को कुछ आसान सा तरीका बताएंगे, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो आसानी से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ आपको किस तरीके से लिंक करना है। अगर आप अभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए जी हैं, तो 1000 रुपये तक जुर्माना भर पड़ सकता है। और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होने की आपको तभी पैन कार्ड कम कर पाएगा तभी काम कर पाएगा अगर आप उसको लिंक करा लेंगे। इस तरह से लिंक करें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो आइए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.com.in पर लॉग इन करें और वहाँ पर लिंक क्षेत्र में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको न्यू विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा, आधार और मोबाइल नंबर भर देना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हुआ, वैलिड OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जुर्माना भरने के होगा, उसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना जल्दी से लिंक करा लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है कोई भी समस्या आ सकती है पैन कार्ड से भी आप कुछ, इसलिए आप जल्दी से करा लें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बोलना, जिससे अगली वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, जिससे हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अगली बार मुलाकात होगी, मिलता है अगली बार।